सिद्धार्थनगर जिले की बांसी तहसील क्षेत्र स्थित आदर्श नगर पालिका के ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने युवा प्रतिभाओं को खेल किट वितरित की। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला युवा कल्याण विभाग ने किया था, जिसमें युवक एवं महिला मंगल दलों को खेल के लिए प्रोत्साहित करने 10,000 रुपये की खेल किट का वितरण स्वास्थ्य मंत्री ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में खेल प्रेमी व क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान जिला युवा कल्याण अधिकारी राम प्रताप सिंह ने बताया कि खेसराहा बांसी व मिठवल ब्लॉक की 133 ग्राम पंचायतों से चयनित युवाओं को 10,000 मूल्य की खेल किट वितरित की गई है। पहले प्रत्येक ग्राम पंचायतों से 18 से 35 वर्ष के मध्य के 2 पुरुष व 2 महिलाओं का चयन किया गया था। साथ ही अन्य ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के चयनित सदस्यों को खेल किट प्रदान करने की योजना की है। मैं राम प्रताप सिंह, जिला युवा कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर। क्या योजना है, किन लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है? इसमें जो प्रदेश में और जिले में युवक और महिला मंगल दलों का गठन होता है, ये युवक और महिला मंगल दल 15 से 35 साल के बीच में होते हैं, जो कि श्रमदान से और सामुदायिक सहभागिता से कार्य करते हैं। इनको सरकार सक्रियता के लिए 10,000 रुपये मूल्य का खेल प्रोत्साहन सामग्री प्रदान करती है। आज क्या कार्यक्रम? आज खेसराहा, मिठवल और बांसी तीन ब्लॉकों के लगभग 133 ग्राम पंचायतों को, जिसमें यहाँ पे 2 महिला और 2 पुरुष को बुलाया गया हर ग्राम पंचायत से, इनको खेल प्रोत्साहन सामग्री प्रदान की गई माननीय मंत्री जी द्वारा, और अभी जो बचे हुए हैं उनको हमारे द्वारा की जाएगी। आगे का योजना है कि इनको सक्रियता, ये जब खेलना स्टार्ट करेंगे, खेलना तो एक खेल प्रोत्साहन सामग्री एक जो है माध्यम है, लेकिन वास्तविक रूप से इनको सामाजिक विकास और गांव के उत्थान के लिए काम करना है। सर, 10,000 रुपये में क्या क्या दिया जाएगा? 10,000 रुपये में 4 फुटबॉल है, 4 वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल का 2 नेट है और डिप स्टैंड है, 1 पंप है हवा भरने के लिए और 1 रस्सी कूदने के लिए। जी ठीक।